सबसे पहले यहां पे विराजमान फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही लीडिंग प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुभाष घई साहब, फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर फिल्म एनालिसिस करने वाले कोमल नाहटा साहब, बीका जी जो आज के स्पॉन्सर हैं उनके दीपक साहब, यहां पर पहली दो तीन पंक्तियों में राजस्थान के सितारे, हीरोज, सुपरस्टार्स और उन तीन पंक्तियों के पीछे बैठे भविष्य के हीरोज और सुपरस्टार्स, आप सबको मेरा नमस्कार, मेरा नमन, बहुत बहुत बधाई देवेंद्र शर्मा जी को, संजना शर्मा जी को और इस कार्यक्रम के आयोजन में लगे सभी ऑर्गेनाइजेशंस और व्यक्तियों को कि उन्होंने राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का तीसरा एडिशन उसको हम सबके सामने आज प्रस्तुत किया। एक मंच मिलता है और कलाकार को और क्या चाहिए, कलाकार चाहे फिल्मों का हो, खेलों का हो, राजनीति का हो या किसी भी क्षेत्र का हो, उसको मंच चाहिए होता है। यहां आने से पहले मैं मुख्यमंत्री साहिबा से बात कर रहा था, उनको मैंने बतलाया कि राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का कार्यक्रम आयोजन हो रहा है और मैं उसमें जा रहा हूं और इसकी चर्चा हुई कि राजस्थान सरकार कितनी मदद कर रही है राजस्थान की फिल्म इंडस्ट्री को। आपको मैं इतना यकीन दिला सकता हूं कि बातचीत शुरू हो गई है, बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए मुझसे बेहतर आप सब लोग हैं। मैं आपको एक ऐसा अवसर दे सकता हूं जहां आप अपनी जरूरतें, जिससे आपकी फिल्म इंडस्ट्री, राजस्थान की फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़ सके, आपको एक अवसर दे सकता हूं कि आप मुख्यमंत्री से, साहिबा से मिलकर अपनी बात बेहतर तरह से रख सकें ताकि वो आपको इसका एक समाधान दे सके। जहां तक बात रही दूरदर्शन में दिखाने की, मैं आपको इतना प्रॉमिस कर सकता हूं कि दूरदर्शन से मैं व्यक्तिगत रूप से आग्रह करूंगा कि हफ्ते में एक दिन राजस्थान की फिल्म दिखाई जाए। दूरदर्शन से शुरुआत होती है तो बाकी आप संभाल लीजिएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद एंड आई विश ईच एंड एवरी हीरो एंड सुपरस्टार हु इज सिटिंग हियर ऑल द बेस्ट फॉर योर फैमिलीज एंड जो भविष्य वाले जो कलाकार जो पीछे बैठे हैं, आप सबको भी बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। मुश्किलें जिंदगी में आएंगी और वो मुश्किलें आपको और मजबूत करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।